हेलो फ्रेंड्स, मैं शोविक, मेरा चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हुआ एक नया वीडियो, जो वीडियो में लेफ्ट साइड और राइट साइड लेकर मैंने आज दिखाऊंगा। बहुत सारी चीज होने वाला है, बहुत छोटा वीडियो करूंगा, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। जस्ट आपको जो ट्रिक्स है वो मैं आपको आपके लिए लेकर आऊंगा। जस्ट मैं आपके लिए जो मांगूंगा वो है एक लाइक, क्योंकि मैं एक वीडियो के लिए बहुत सारी चीज आपके लिए दिखाता हूँ, तो आप सिर्फ मुझे को एक लाइक दे दीजिए, तो एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आज दिखाऊंगा लेफ्ट साइड जजमेंट और राइट साइड जजमेंट आप लोग कैसे करेंगे, पूरा से पूरा प्रैक्टिकल ए टू जेड आपको ले दिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने दोनों चीज दो साइड में रख दिया, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड जजमेंट के लिए और इधर पे रख दिया मैंने राइट साइड जजमेंट के लिए, ठीक है। तो ये है गाड़ी का राइट साइड में और ये हो लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो थोड़ा मैंने गैप रखा हूँ, इसलिए देखिए जब जजमेंट करूंगा ना तो थोड़ा सेफ्टी के लिए देखूंगा, जब पूरा से थोड़ा गैप रखूंगा तो अच्छा से आप लोग को एक जजमेंट, सही जजमेंट आपका पास चलाएगा। क्योंकि देखिए गैप रखूंगा तो ये जो आपका वार्डवीएम है, वार्डवीएम का तो थोड़ा प्लेस रखना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा गैप रख दिया। इसी साइड में भी गैप रख दिया, इसी साइड में भी गैप रख दिया, ठीक है। अभी मैंने इस गाड़ी को धीरे धीरे पीछे की तरफ लेकर जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद गाड़ी में बैठ के ही आपको दिखाऊंगा जो लेफ्ट साइड जजमेंट और राइट साइड जजमेंट आपको कैसे करेंगे। तो मैंने गाड़ी को पीछे की तरफ ले रहा हूँ धीरे धीरे। धीरे धीरे मैंने पीछे की तरफ ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने इधर पे रोक दिया और तो फ्रेंड्स अभी देखिए ये जो वाला है ये राइट साइड के लिए और ये है लेफ्ट साइड के लिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इधर पे एक मार्कआउट कर लूंगा और इधर पे भी एक मार्कआउट कर लूंगा। इधर पे मार्कआउट करूंगा मैंने लेफ्ट साइड जजमेंट के लिए और इधर पे राइट साइड जजमेंट के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने इधर में एक मार्कआउट कर लिया, ठीक है, इधर से इधर में एक मार्कआउट कर लिया, ठीक है। और इधर में जो व्यू है इधर से मैंने एक मार्कआउट कर लिया, ठीक है। तो दोनों साइड में मैंने मार्कआउट कर लिया, मेरा व्यू इधर से आ रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इधर से जो चीज बाहर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और इधर से कोई बाहर रहेगा तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड जजमेंट। अभी मैंने इसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बना के मैंने आगे की तरफ जाऊंगा, तब देखूंगा मेरा कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया और मैंने इसी रेफरेंस पॉइंट के लेकर मैंने इसके अंदर मैंने गाड़ी को पार्क करूंगा। तो चलिए धीरे धीरे मैंने फास्ट गियर डाल दिया, ठीक है। देखिए मैं धीरे धीरे दो चीज के बीच में मैंने पार्क कर लिया, ठीक है। अभी रोक दे रहा हूं, बाहर जाके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए मैं ये होगा राइट साइड जजमेंट के लिए। तो अभी एक सामने बास आ रहा है, इसके बाहर चला गया, बस मैं फिर सामने की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए साइकिल इसके बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे की तरफ, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना है, ए रेफरेंस है, ए रेफरेंस के अंदर अब सेफ जोन है, ठीक है। और इसका बाहर मतलब इसका जोन है, इसका अंदर कोई रहेगा तो आगे की तरफ नहीं जाऊंगा, इसका अंदर कोई नहीं रहेगा तो हम लोग आगे की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है। देखिए गाड़ी इसके बाहर, ठीक है, मैं दाएं की तरफ ले लिया, बस सामने की तरफ मैं फिर जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए फिर सेम, अब देखिए सामने एक टोटो है, टोटो इसके अंदर है, मैं डायने की तरफ लूंगा थोड़ा बहुत धीरे धीरे। अभी पोजीशन नहीं मिला क्योंकि फिर मैंने कोशिश करूंगा टोटो को ओवरटेक करने के लिए,
अभी मौका मिला, अभी इसका रेफरेंस पॉइंट का अंदर है। मैं धीरे धीरे दाहिने की तरफ स्टीयरिंग लेकर अभी मैंने वर्टेक किया, ठीक है। फिर सामने एक टोटो है, अभी देखिए इसका अंदर है, मैं दाहिने की तरफ लूंगा, बस अभी जा रहे हो। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कमेंट शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभिक, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज आप लोग को सिखाऊंगा जो लेफ्ट साइड जजमेंट आप लोग कैसे करेंगे। तो लेफ्ट साइड जजमेंट देखिए बहुत इजी है, इजी तरीका है, लेकिन जब आप लोग को नया ड्राइवर होते हो तो लेफ्ट साइड जजमेंट आपके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो आज मैं जो चीज, जो ट्रिक्स आपको साथ शेयर करूंगा वो आप लोग पूरा एंड तक वीडियो देख लेंगे तो आज से शायद आपका ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहला जो चीज बोलूंगा, देखिए ये जो गाड़ी का जो बोनेट है, ये बोनेट आप लोग पूरा मिडिल से आप लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं एक रेफरेंस पॉइंट, देखिए मिडिल जो पॉइंट है इधर से मेरा नजर आ रहा है, तो मैं इधर पे एक लाल वाला टेप लगा लेता हूं, ठीक है। तो और राइट साइड इधर से पूरा इतना तक, ठीक है। तो मेरा जो बाएं वाला जो व्हील है वो ऐसा सीधा जाके एंड होता है, ठीक है। सेम टू सेम इधर सीधा मेरा गाड़ी का बाएं की तरफ जो व्हील है, पहिया है, वो इधर ही है, ठीक है। तो जो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है, देखिए जो सामने वाला जो चीज है, जो इसका बाहर रहेगा मैं उसको ओवरटेक कर सकता हूँ, इसके अंदर रहेगा तो मैं नहीं आगे की तरफ जा सकता हूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, एक डेमो आपको करके दिखाता हूँ। स्टार्ट कर लिया, बहुत छोटा गोली है, ठीक है। तो अभी मैंने बाहर जाऊंगा, उसके बाद आपको शेयर करूंगा। देखिए मेरा पहिया किधर है, पूरा से पूरा एंड में, ठीक है। जो रास्ता के एंड है, देखिए इधर पे पूरा पूरा ढालू की तरफ है, और ठीक इसका एंड में मैंने मेरा गाड़ी का पहिया रख दिया, ठीक है। तो ऐसा होता है लेफ्ट साइड जजमेंट। तो चलिए रोड पे जाते हैं और धीरे धीरे आपको सिखाते हैं कैसे आप लोग लेफ्ट साइड जजमेंट करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, अभी दिखाया मैंने इधर पे टेप लगा के, अभी करता हूं क्या, अभी ये टेप मैंने पूरा, जो पूरा शीशा है इसका जो पूरा मिडिल पॉइंट है, तो मिडिल पॉइंट के मैंने चिपका देता हूं, ठीक है। ठीक है, मिडिल पॉइंट मैंने चिपका दिया इसको। तो अभी इस पॉइंट में जो चीज दिखाऊंगा, देखिए ये जो वाला व्हाइट पट्टी है ना, तो व्हाइट पट्टी इसी जो टेप है, एक टेप इसका ऊपर रहेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा डेमोस्ट्रेशन के लिए, जो इसका जो जो लेफ्ट जो पहिया है वो इसका ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये वाला पहिया के ए वाला वाइट लाइन का ऊपर मैंने पहले टेप को लेकर जाता हूं, ठीक है। तो गाड़ी को स्टार्ट करता हूं मैंने, फास्ट गियर डाल दिया,
अभी देखिए मेरा नजर कहाँ पे, देखिए ठीक है, पूरा से पूरा नजर मेरा नजर इधर से जा रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो वाला व्हाइट लाइन का ऊपर ये जो पॉइंट मैच कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाके आपको दिखाऊंगा जो लेफ्ट पहिया किधर है। तो मैं पहले देखूंगा इधर से गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेफ्ट वार्डियम में देखूंगा, उसके बाद देखिए पहिया देखिए पूरा व्हाइट पट्टी के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग समझ गया जो ये जो रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट कैसे काम करता है ये हम लोग समझ गया, ठीक है। अभी फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ जब कार आप लोग चलाएंगे रोड पे तो कैसे आप लोग लेफ्ट साइड जजमेंट करेंगे वो चीज आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए वो रेफरेंस पॉइंट है क्या, किधर है लेफ्ट साइड के लिए, वो जो वाला पॉइंट है, ठीक है, रेड कलर का जो टेप है वो, और अभी जो सामने साइकिल है वो इसका अंदर है। तो मैं क्या करूंगा ओवरटेक करने के लिए थोड़ा सा दाहिने की तरफ ले लूंगा, उसके बाद मैंने आगे की तरफ जाऊंगा। तो चलिए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं और दिखाते हैं जो जैम का, जब आप लोग जैम मिलेगा तो उसी प्लेस में आप लोग कैसे लेफ्ट साइड जजमेंट करेंगे, ठीक है। तो मेरा सामने देखिए ऑटो है, तो ऑटो अभी इस रेफरेंस पॉइंट का अंदर है, ठीक है, सामने देखिए। तो अभी क्या करूंगा धीरे धीरे से चला गया, ठीक है, अभी आगे की तरफ जाऊंगा तो मेरा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत सिंपल से तरीका है, बहुत सिंपल से चीज है, ठीक है। ये जो रेफरेंस पॉइंट ना ये जस्ट बिगिनर्स के लिए मैं सिखाता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कार चलाना, जब आप लोग को पूरा से पूरा आइडिया हो जाएगा ना तो आपको रेफरेंस पॉइंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए, देखिए मैं जस्ट कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुझे को पोजीशन मिलेगा तब मैंने आगे की तरफ जो गाड़ी जा रहा है उसको ओवरटेक करूंगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि देखिए ओवरटेक धीरे धीरे से करना पड़ेगा, सोच समझ के करना पड़ेगा, नहीं तो आपका नुकसान आ सकता है, ठीक है। तो सामने की तरफ और एक बस आ रहा है तो मैंने छोड़ दिया, बाई की तरफ ले लिया, बस धीरे धीरे से आगे की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। मेरा सामने एक साइकिल है तो अभी रेफरेंस पॉइंट का अंदर है इसलिए मैंने उसको ओवरटेक नहीं कर पाऊंगा, जब मुझे को मौका मिलेगा तब मैंने उसको ओवरटेक करूंगा, नहीं तो धीरे धीरे से मुझे को उसका पीछे पीछे जाना पड़ेगा। तो मौका मिल गया मुझे को इसलिए मैंने ओवरटेक कर लिया, बहुत सा सिंपल तरीका है। देखिए अभी तो एक मार्केट है सामने, मार्केट में शायद आज संडे भी है तो बहुत क्राउडी रहेगा। देखिए बहुत सोच समझ के मुझे को लेना पड़ रहा है क्योंकि रास्ता बहुत शॉर्ट है और गाड़ी बहुत ज्यादा है, ठीक है।
प्लेस मिल गया। अभी देखिए सामने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा बाएं की तरफ प्लेस नहीं था, इसलिए मैंने दाएं की तरफ ले लिया था। मेरा पीछे भी बहुत सारा गाड़ी है जो हॉर्न दे रहा है। देखिए पीछे आपका जो गाड़ी है ना, वो हर टाइम आपको हॉर्न देगा, ठीक है। आपका सामने की तरफ प्लेस मिलेगा तब आप आगे बढ़िए, नहीं तो पीछे की तरफ आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। आज इतने तक, बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभिक, मेरा चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज आपके साथ बात करूंगा लेफ्ट साइड जजमेंट के लिए। तो देखिए पहले जो चीज़ मैं आपके साथ बात करूंगा वो है ड्राइवर के सेट रहता है इधर पे, ठीक है। और हमारा जो बाएं की तरफ जो नज़र आता है जस्ट इस एंगल से, ठीक है, इसी एंगल से हमारा नज़र आता है, तो ठीक है इधर तक, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम होता है इस साइड से, ठीक है, इस साइड लेकर आपका जो प्रॉब्लम, जो दिक्कत होता है, तो इस साइड लेकर आपका प्रॉब्लम होता है। तो देखिए जो हमारा जो नज़र आता है वो इधर से आता है, मिडिल से, ठीक। देखिए मेरा एक मार्कआउट किया है मैंने पहले से, जो मिडिल पे है शीशा का पूरा से पूरा मिडिल पॉइंट है ए, तो ए मैंने मार्कआउट कर लिया। तो हमारा जो नज़र आता है इधर से, इधर से इधर तक। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिकली फिजिकली हम लोग देखते हैं जो कैसे हम लोग लेफ्ट साइड जजमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो मैंने मार्कआउट कर लिया था पहले से, जो रेड वाला मार्क है वो है डैशबोर्ड का और शीशा का पूरा से पूरा मिडिल पॉइंट है। तो हमारा जो नज़र जाता है सिर्फ इसी पॉइंट से हमारा नज़र जाता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख सकते हैं जो मेरा जो पहिया है बाएं लेफ्ट वाला जो पहिया है वो अभी पूरा से पूरा रास्ते का एंड में है, ठीक है। और अभी देखिए ये जो वाला पॉइंट अभी रास्ते का एंड में मैच कर रहा है, ठीक है। तो ए है जो चीज़, जो इधर जो पॉइंट है और इसके साथ जो रास्ते का जो पॉइंट इधर पे व्यू मिल जाएगा वो है आपका लेफ्ट साइड फ्रंट लेफ्ट साइड व्हील का पोजीशन रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग रास्ते की तरफ जाता हूँ और उधर पे हम लोग देखते हैं जे कैसे आप लोग लेफ्ट साइड जजमेंट सही से आप लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा दाएं की तरफ बहुत सारा गाड़ी आ रहा है, मैं दाएं की तरफ तो हम लोग इजिली जज कर सकता हूँ क्योंकि हमारा इंडिया में ड्राइवर सीट दाहिने की तरफ ही रहता है। तो देखिए मैं दाहिने की तरफ ले लिया बस और आगे की तरफ। तो देखिए जो रेफरेंस पॉइंट है, देखिए ये चीज आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट मार्कआउट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा बाद में, धीरे धीरे आप लोग जब सीख पाओगे ना, एक ऑटोमेटिकली आपका एक आइडिया हो जाएगा। तो देखिए अभी इस रेफरेंस पॉइंट का अंदर सामने वाला जो वैन है वो है, इसलिए मैंने क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके मैंने दाएं की तरफ लेकर जाऊंगा। जब देखूंगा उस जो सामने वाला जो वैन है वो रेफरेंस पॉइंट का बाहर चला गया, तब मैंने उसको ओवरटेक कर पाऊंगा, ठीक है। तो हो गया, देखिए कितना इजीली इजी मेथड है, ठीक है। फिर देखिए डाइन की तरफ रेफरेंस पॉइंट के बाहर चला गया ऑटो, उसके बाद मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल का चीज है, बिल्कुल मत घबराइए। देखिए फिर सामने भी सेम, सेम चीज, सेम टेक्निक। सामने बहुत सारे भीड़ भट्टा है, दाएं की तरफ ऑटो था इसलिए बाएं की तरफ ले लिया था मैंने। फिर इधर पे थोड़ा स्लो डाउन, उसके बाद मैंने फिर आगे की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो इधर पे देखिए मेरा सामने एक वैन है, तो मुझे को थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा, नहीं रुक गया इसलिए मैंने ओवरटेक कर लिया।
अभी ढाई से बहुत सारा गाड़ी आ रहा है, तो देख के बस अभी देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इजीली ओवरटेक कर लिया मैंने। देखिए तो हो गया, भाई की तरफ से बहुत सारा गाड़ी है। गियर कम कर लिया मैंने क्योंकि स्पीड बहुत कम हो गया। हॉर्न इस्तेमाल कीजिए। देखिए सामने वाला जो साइकिल था वो कोशिश कर रहे थे रोड क्रॉस करने के लिए, लेकिन नहीं किया। पीछे से बहुत सारे गाड़ी हॉर्न दे रहा है, देने दीजिए। एक्चुअली आपको देखना है सामने की तरफ, पीछे की तरफ नहीं, ठीक है? देखिए जो साइकिल जा रहा है ना, वो रास्ता कैसे मिडिल से जा रहा है, ठीक है? साइड से नहीं जा रहा है। अभी देखिए इधर में क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है, तो अभी थोड़ा स्लोली जा रहा हूं बस। ओवरटेक कर लिया मैंने। आप लोग देख लीजिए हैं जो मैंने कैसे लेफ्ट साइड जजमेंट कर रहा हूं। देखिए ये चीज बहुत सिंपल सा तरीका है, एक बार आपका आंख का निशाना सही हो जाएगा ना, आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जस्ट आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कार लेकर रोड में जाइए, धीरे धीरे गाड़ी को चलाइए, तो आपको एक दो वीक में आपको एक अंदाजा आ जाएगा जो हाँ मुझे को लेफ्ट साइड इतने तक ले जाना है, इतने तक ले नहीं जाना है, ठीक है? तो एक आपका एक आइडिया हो जाएगा, तो आपका धीरे धीरे वो चीज बहुत अच्छा हो जाएगा और बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? तो इधर से मैंने बाएं की तरफ ले लूंगा। इंडिकेटर दे दिया मैंने बाएं की तरफ। ले लिया, उसके बाद फिर सामने की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है? सामने बहुत सारा इस रोड बहुत छोटा रोड है, दो गाड़ी जा सकते हैं, ठीक है? बस ठीक है। देखिए इधर पे मुझे को राइट साइड जजमेंट करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड में तो ड्रेन है, और लेफ्ट साइड जजमेंट सही नहीं होगा तो आपका सामने लेफ्ट साइड का जो पहिया है वो ड्रेन में गिर जाएगा। धीरे धीरे सोच समझ के आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है?
तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसे लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग नहीं बताएंगे तो मैंने कैसे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो लाइक तो बनता ही है ना, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज बहुत बहुत सा लाइक कर दीजिए मेरा वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।